हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि रीजनिंग सेक्शन का वर्ग की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पिछले क्लास में हमने त्रिभुज की संख्या ज्ञात किया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो एक बार देख सकते हैं। पहला हम जो कि एक ही वर्ग है। दूसरा में जो कि आपको एक दिख रहा है, एक दो तीन चार, एक बड़ा वाला है पांच, इसमें जो कि पांच है। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। इसका शॉर्ट ट्रिक है, सबसे पहले आपको पहला गिनना है, काउंट पहला करना है, एक का वर्ग प्लस दूसरा, इसको दूसरा करना है, दो का वर्ग बराबर दो दूनी चार, एक वर्ग करेंगे तो एक ही रहेगा, इसमें हो गया आपका पाँच, इसमें भी पाँच हो गए, इसमें भी पाँच। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसको भी आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। जैसे इसमें हो गया, उसी तरफ से एक का वर्ग करेंगे, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग हो गया। वर्ग करके इसको एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ बराबर चौदह, इसमें जो कि इस वर्ग में 14 वर्ग है। इसका ये शॉर्ट ट्रिक है, इसी तरफ से आपको हल करना है। जैसे कोई आ गया तो बड़े बड़े क्वेश्चन को इसमें देखेंगे, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप गिनना चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर पेपर में, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कीजिए। सीधा वर्ग में इसका वर्ग करेंगे, तीन का वर्ग प्लस चार का वर्ग, तो इसका एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग 16, इसको जोड़ेंगे तो 30 वर्ग होगा। 30 वर्ग इसमें जो कि इस वर्ग में 30 वर्ग हैं। इसको देखेंगे, इसमें भी इसी प्रकार से एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25, इसको कुल जोड़ेंगे तो 55 वर्ग होगा। इसमें 55 वर्ग होगा। इसको देखेंगे, ये जो कि एक नया टाइप का वर्ग है। जैसे इसी में आपको तीनों तरफ से इधर से और आपको दोनों तरफ से इधर से और इधर से, अगर इधर दो है तो इधर से भी दो, सिर्फ दो का ही वर्ग होगा। एक वर्ग इसका छूट जाएगा, वर्ग नहीं करेंगे इसका, क्योंकि इधर तीन वर्ग और बनना चाहिए तभी बनेगा, फिर नहीं बनेगा। मेन इसका एक का वर्ग करेंगे, दो का वर्ग करेंगे, फिर तीन का वर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि
इधर तो दो ही है, इधर दो ही है, दो वर्ग है ना, एक और वर्ग हो तो तीन का वर्ग नहीं लेंगे, तीन का वर्ग नहीं लेंगे। इसको हम इसका शॉर्ट ट्रिक होता था, इसमें एक दो, एक प्लस दो बराबर तीन, तीन इसमें प्राप्त हो गया। इसमें एक का वर्ग है, एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग चार, इसमें कुल आठ, आठ वर्ग बनेगा। इसको देखेंगे, इस वर्ग में उसी प्रकार से जैसे इधर से हम लोग तीन वर्ग है ना, और इधर से चार वर्ग हैं, एक दो तीन चार, चार इधर से हैं और इधर से तीन है, इधर से तीन है, तीन तो इधर से फिर भी इसमें तीन का ही वर्ग, तीन एक दो तीन, तीन तक का ही वर्ग बनेगा। एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग और इधर चार का वर्ग इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इधर चार का वर्ग बनाने के लिए हमें इधर चार होना चाहिए, रॉ और कलम दोनों तरफ, इधर भी चार होना चाहिए, तभी चार का वर्ग बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इधर तीन है तो इसको फिर उसी तरफ से एक, एक इसको एक, इसको दो, इसको तीन, ये हो गया छः। और इधर वर्ग करेंगे, एक का वर्ग दो का वर्ग चार, पाँच हो गया, तीन का वर्ग नौ चौदह, इधर चौदह हो गया, चौदह छः बीस, इसमें बीस वर्ग बनेगा। इस वर्ग को देखते हैं, ये तो सीधा पहले सबसे आपको रॉ देखना है, रॉ और कॉलम दोनों में, दोनों तरफ से देखना है। इसमें चार है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सीधा आपको सीधा इस तरफ से अगर प्रश्न इसी तरफ से आएगा, इस तरफ से अगर प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ऐसे देखना पड़ेगा, अगर एक ज़्यादा है इसमें पाँच नहीं बनेगा, पाँच तक का वर्ग नहीं बनेगा, सिर्फ चार ही तक की तक का ही वर्ग बनेगा। तो इसका पहले एक का वर्ग करेंगे, दो का वर्ग, तीन का वर्ग और चार का वर्ग, पाँच का वर्ग इसमें नहीं बनेगा क्योंकि इसमें चार, पाँच वर्ग इसमें नहीं बनेगा क्योंकि पाँच का वर्ग बनाना पड़ा इधर एक और दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी पाँच होना चाहिए, इधर तो पाँच नहीं है इसीलिए पाँच का वर्ग नहीं, इसी इसको हम एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार इस तरफ से इसको लिखेंगे जो बच गया उसको। ये तो दस हो गया कुल टोटल, इधर का, इधर का टोटल जो कि तीस हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो इसमें जो कि चालीस वर्ग बनेगा। ये जो कि ये वाला शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे ही आपको बनाएंगे, अगर वर्ग में आएगा तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा वर्ग, अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो। इसमें अप्लाई करेंगे फार्मूला को तो बनेगा, एक का वर्ग, दो का वर्ग, अंदर में भी है एक दो, ये पाँच हो गया और ये पाँच बराबर दस, इस दस वर्ग है, देख सकते हैं, एक एक दो तीन चार और एक बड़ा वाला पाँच, और इसी अंदर में भी है ये वाला, इसमें भी अप्लाई करेंगे वर्ग, इसका एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, और जो अंदर में ये वाला बना है, इस ये वाला क्वेश्चन बना है,
ये वाला 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 5 ऐसे 20 हो गई इसका कुल टोटल, और इस 30 बार रहा इसमें, कुल 50 हो जाएगा इस वर्ग में, 50 वर्ग हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।